हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरा नाम है पुष्पा और आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। तो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि एक चैट वायरल हो रही है जो कि एक किसी रिएक्शन चैट वाले ने सुमित जी से परमिशन ली थी कि मैं आपके बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ, आपके ऊपर रिएक्शन बनाना चाहती हूँ। तो उनका क्या जवाब था, तो चलिए हम आपको बताते हैं और शायद आप समझ भी पाएँ कि वो इसमें क्या बोलना चाहते हैं, उनके क्या थॉट्स हैं। ये मामला सच और झूठ का नहीं है, गलती शायद दोनों की है और ऐसे में कुछ भी कहना ठीक नहीं है। मुझे स्टार्टिंग से कुछ नहीं पता, ना अभी किसी ने कुछ बताया। जो मैं सुन रहा हूँ, मैं भी YT से ही सुन रहा हूँ। जो आपको सही लगे उसके अकॉर्डिंग अपना रिएक्शन दीजिए, ये उन्होंने कहा है रिएक्शन चैनल वालों को। फिर रिएक्शन चैनल वाले जो भी बंदा है बंदी है उसने बोला, मुझे एक रिएक्शन आपको लेके रियल वाला देना है, क्योंकि अभी इतना दिन के बाद भी आप अपना डिसीजन क्या ले रहे हो भाई, ये ज़रूरी है ना। लेकिन एक बात ये है, रियली आप आज की डेट में भी बहुत अच्छे इंसान हो, ये उन्होंने ऐसा कहा रिएक्शन चैनल वालों ने। लेकिन उनका फिर जवाब था, अच्छा वो कैसे, मैंने तो अभी कुछ कहा नहीं कहीं भी, नहीं ना FB पर ना YT पर, कहीं पर भी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, तो आपने मुझे एक अच्छा इंसान कैसे बता दिया, उनका ये कहना था। फिर उधर से वो जवाब देती हैं, आपके बारे में सचिन ने बोला है ना, आप साथ दिए सचिन का, मुझे एक रिएक्शन वीडियो आपके लेना है, रियल वाला देना है। तो उन्होंने ये कहा था कि मेरी जगह आपके घर का कोई होता और बिना कुछ जाने उसे ये सब पता चले कि क्या फील करोगे आप, इमोशन सेम होते हैं सबके लिए, तो वही फील करके रिएक्शन आप अपना बना दीजिए। उन्होंने इधर से ये उन्होंने बोला सुमित जी ने, क्या इंसान हो आप सच में, आप भी तो नेहा से प्यार करते थे, लेकिन आपको क्यों, आपको पता नहीं था कि वो ऐसी है। क्या इंसान हो आप सच में, आप भी तो नेहा से प्यार करते थे तो पढ़ दिया था, लेकिन भाई आपको इतने साल में आपको पता कैसे नहीं चला, तो कह रहे हैं इसलिए तो ज़्यादा शॉक्ड हूँ, लास्ट मोमेंट तक कोई कुछ नहीं बोला, तो फिर हुआ तो आपके साथ भी मनीषा जैसा ही धोखा। ये सारी चीज़ें थी, तो एंड मोमेंट तक उन्हें नहीं बताया गया कि उनके साथ ऐसा क्या है, धोखा दिया गया, इसीलिए वो काफ़ी शॉक्ड है, इसीलिए वो काफ़ी थोड़ा सा मेंटली तौर पर परेशान हैं और कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, इसीलिए वो बोल रहे हैं कि सब कुछ थोड़ा शांत हो जाए उसके बाद ही मैं कुछ डिसीजन ले पाऊँगा, ये हाँ भी हो सकता है या फिर ना भी, दोनों ही।